अच्छा तुम लोग दिल्ली से हो, क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु मिश्रा है। तो यहाँ पर दिल्ली में इंडिया गेट घूमने आए हो? हाँ जी। इंडिया तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? इंडिया क्या महसूस हो रहा है? आज तो पोल्यूशन वैसे कम है काफ़ी, क्योंकि रोज़ की जगह आज पोल्यूशन बहुत कम है, क्योंकि जब पहले था 100 या 70 डिग्री के पार पोल्यूशन था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और लंग्स में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बिकॉज आज पोल्यूशन इंडिया गेट का हम देख सकते हैं काफ़ी कम है, और ये आज ऑड इवन लगा है और ऑड इवन से भी कुछ डिफेक्ट पड़ सकता है, ऑड इवन से भी कुछ डिफेक्ट पड़ सकता है पोल्यूशन में। मेरा नाम निकिता चौहान है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। घर से तो निकला ही नहीं जाता पॉल्यूशन की वजह से। अब आज मौसम ठीक है तो आज हम यहाँ पे देखने आए हैं कैसा है कैसा नहीं है, तो थोड़ा कम लग रहा है इससे। तो यहाँ पर आगे कैसा लग रहा है, मतलब देखने में आज कैसा महसूस हो रहा है? बेटर लग रहा है। मैं शिफाली मिश्रा, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज थोड़ा पॉल्यूशन कम है, इसकी वजह से हमें घूमने इंजॉय भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम माधवी मिश्रा है, मैं 12th में पढ़ती हूँ। आज तो काफ़ी अच्छा है, वैसे भी धुंध की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, आज क्लियर है मौसम, काफ़ी साफ है, पहले से काफ़ी बेटर है आज देखा जाए तो। अच्छा, ये जो प्रदूषण की इतनी खस्ता हालत हो गई, इसको देखकर जो सरकार ने कदम फार्मूला उठाया है ऑड इवन का, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ऑड इवन से डिफेक्ट वैसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑड इवन का ये चक्कर नहीं है कि व्हीकल से ही पोल्यूशन निकलता है, पोल्यूशन पराली जल रही है, जिसकी हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट में इतनी ज़्यादा पराली जलाई जा रही है, उससे भी पोल्यूशन फैल रहा है। बिकॉज ये नहीं कि ऑड इवन से ही पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड इवन से कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला गवर्नमेंट को। शायद हो सकता है, हो भी सकता है शायद, क्या पता जो गवर्नमेंट ने सोचा वो भी हो सकता है, क्या पता इतनी गाड़ियाँ बंद होने की वजह से क्या पता हमें कुछ बेटर आराम मिल सके। 100 में 20% क्या पता हो सकता है पोल्यूशन कम हो सकता है, जैसा इन्होंने कहा हो सकता है पोल्यूशन कम हो सकता है। लेकिन जो रिसर्च हुआ है ऑड इवन पे, उसमें ये पोल्यूशन 10 से 15% कम होता है, ये हर बार का रिसर्च है, दो बार लागू हुआ, ये तीसरी बार है, तो क्या लगता है कम होगा? मेरा नाम रिया मिश्रा है, मेरा स्टैंडर्ड 9th क्लास है। हमें क्योंकि इस बार दिवाली में काफ़ी लोगों ने फिलहाल पटाखे चलाए तो इसकी वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन है, बट हम देखते हैं मतलब चांसेस ज़्यादा, 100 में से 100 तो नहीं कह सकते, बट 99% चांसेस हैं कम होने के पोल्यूशन। तुम लोग ने पटाखे लगाए थे? क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए, क्योंकि पोल्यूशन जिस दिवाली थी उस दिन भी इतना पोल्यूशन था, हमने क्रैकर यूज़ भी नहीं किए, क्योंकि क्रैकर्स वैसे क्रैकर्स से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इसलिए हमने बिल्कुल पटाखे यूज़ नहीं किए। अच्छा, नहीं तुमने? हमने बस पूजा करके मिठाई खा के हमने दिवाली मनाई थी, इसलिए हमने कोई भी पटाखे नहीं छोड़े, हमने सिंपल से अच्छे से मतलब दिवाली यूं ही हमने मनाई थी, हमने कोई पटाखे या कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, ये हमारे साथ बच्चे हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में भी पढ़ते हो? स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, इनका कहना है कि इन्होंने पटाखे नहीं दगाए, तो जो पटाखों से पोल्यूशन होता है, पराली से पोल्यूशन होता है, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग जो हमारे मतलब हमारे जो बड़े ग्रैंडफादर वगैरह, हम उनको सोल्यूशन देना चाहेंगे कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब खेत वगैरह चलाते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बट अगर ये लोग अगर ऐसा ना करें तो काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए, वो उनके लिए भी, और उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब उनकी एज के हिसाब से अगर वो लोग ऐसा ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि दिवाली इस पर हमने पटाखे ना जला के दिया जला के कुछ शहीदों के लिए हमने इस तरह की दिवाली मनाई थी। और बुजुर्ग लोगों को घर में रहना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन में लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आइस में ज़्यादा इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि कुछ भी ब्लर सा दिखता है। मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस बार, इचिंग सी हुई थी आइस में, और लंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर पर रहना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके खिलाफ अच्छे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये तो हर बार का है, दिल्ली में हर बार पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इसी बार नहीं है तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, और ऑड इवन को भी 2 साल लागू हुए हो चुके हैं, पर ऑड इवन से भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। सर मैं तो ये बोलूँगी कि जितना हम लोगों से हो जाए हमें उतना करना चाहिए पोल्यूशन बचाने के लिए, अगर हम छोटे छोटे से बच्चे भी एक एक स्टेप उठाएंगे ना, अगर हम एक से शुरुआत करें ना तो सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, और अगर हम छोटी से छोटी अच्छी चीज़ें करेंगे, अगर हम पटाखे नहीं लगाएंगे कल को और भी बच्चे देखेंगे नहीं लगाएंगे, मतलब जितना हमसे हो सकता है अपने देश भारत के लिए उतना हमें करना चाहिए, पोल्यूशन से काफ़ी बीमारियाँ भी आती हैं, काफ़ी वो प्रॉब्लम होती है सबको। ये हमारे साथ बच्चे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई, अपने स्तर से हमको सोचना चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए। जिस तरीके से हम गवर्नमेंट को देखें, सरकार को देखें, तो दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी है, क्या उनको नहीं लगता कि मिलके ये चीज़ें, उनको गवर्नमेंट को क्या कहने चाहेंगे, मिलके लड़ना चाहिए इससे? जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं केजरीवाल जी, उन्होंने इस मीटिंग को बिठाया था, और बीजेपी और कांग्रेस सभी को बोला था कि मीटिंग के लिए, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में भी और पंजाब
पंजाब में भी, वहाँ पराली जलती है और दिल्ली में इसका असर होता है। तो केजरीवाल जी ने इसकी मीटिंग के लिए बोला है कि सभी को मीटिंग बिठाए और इसका सोल्यूशन होना चाहिए पराली का, क्योंकि पराली से ज़्यादा पोल्यूशन होता है और जो किसान लोग हैं वो तो धरने भी बैठे हैं आज पंजाब में। मैं सबसे केजरीवाल को एक थैंक यू बोलना चाहूँगी जो उन्होंने लेडीज़ के लिए किया है, उन्होंने जो लेडीज़ के लिए किया है इस समय, मतलब ऐसा नहीं वो नहीं कर रहे हैं, जो उनसे हो रहा वो भी कर रहे हैं, पर जैसे कि सरकार जो एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही है ना, ब्लेम लगाते हुए उन्हें सबको एक साथ देना चाहिए। अगर एक साथ रहेंगे तो हमारा भारत भी सही होगा और हर चीज़ का हमें वो मिलेगा। एक दूसरे से ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता है, सबको साथ रहना चाहिए। केजरीवाल ने एक बहुत अच्छा किया ODI-1 का किया, मैं तो उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी और मतलब और लेडीजों के लिए उन्होंने बहुत बेटर किया, जो पुलिस उन्होंने हर बस में एक पुलिस होती है वो लेडीजों की सुरक्षा करती है, वो थैंक्स केजरीवाल आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा केजरीवाल ने जो किया है ODI-1 पे लेडीजों को छूट दी है कि लेडीजों के लिए नहीं लागू होगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, सभी के लिए कंपलसरी है, हमारे इंडिया में सभी के लिए हर चीज़ कंपलसरी है, तो लेडीज के लिए भी कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि लेडीज भी व्हीकल चलाती तो उससे ही पोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन नहीं होगा, लेडीज को भी होना चाहिए ODI-1 के शामिल, ऐसा नहीं सिर्फ जेंट्स को ही होना चाहिए, लेडीज भी शामिल होनी चाहिए। केजरीवाल जी का ये स्टेप मुझे गलत लगा क्योंकि उन्होंने लेडीज का ही किया, लेडीज को भी होना चाहिए शामिल ODI-1 में। अच्छा तुम क्या कहते हो? देखो लेडीजों के लिए उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि जेंट्स तो कैसे भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं पर लेडीजें नहीं कर सकती हैं, शायद उन्होंने जो किया लेडीज के हित में अच्छा किया, मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए जेंट्स लोग होते ऑटो से भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, पर लेडीज थोड़ी ना जा सकती, कभी प्रॉब्लम होती है लेडीजों को, पर उन्होंने लेडीजों के लिए किया तो अच्छा किया, मैं तो थैंक्स बोलूंगी लेडीजों के। स्कूलों में अभी छुट्टी चल रही है, पाँच तारीख तक है, कब तक है? पाँच तारीख तक, तो इसकी डेट बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब तो पोल्यूशन कम हो गया। वैसे बढ़ानी नहीं चाहिए, अगर पोल्यूशन होता है तो बढ़ानी चाहिए, इसमें लंग्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी तो बोर्ड की क्लास है तो छुट्टियाँ बेटर नहीं होंगी। अगर पोल्यूशन नहीं होता है तो स्कूल कंटिन्यू खोलने चाहिए, अगर पोल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।